हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। क्लास नंबर 289 वर्टिब्रल कॉलम का सीरीज का ये सेकंड लेक्चर हम लोग आज यहाँ स्टडी करेंगे, और इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में। देखो, ये वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक टिपिकल वर्टिब्री का स्ट्रक्चर समझा था, पहले वो वीडियो ज़रूर देखो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अदरवाइज ये वीडियो समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखो, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हम ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। फिर हमने एक्सियल स्केलेटन में स्कल का कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा था, और उसके साथ में हमने देखा था अबाउट स्टर्नम, स्कल, ये दोनों हम स्टडी कर चुके हैं। वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट पार्ट रिलीज हो चुका है, ये आज सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करेंगे। एक बार मैं आपको वापस बता दूं कि वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 वर्टिब्री है, इसमें से 7 वर्टिब्री जो हमारे नेक एरिया में प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। बेसिकली सर्वाइकल वर्ड आया सर्विक्स से, दैट एक्चुअल मींस नेक, ठीक है। तो जो हमारे नेक में जो 7 वर्टिब्री प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्री, और आज हम उन्हीं की यहाँ पर जो है डिटेल्ड स्टडी करेंगे। करीब करीब सभी मैमल्स में नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज 7। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, that they have got 7 cervical vertebrae। अब vertebrae का एक typical structure हम लोग last video में study कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि किसी भी एक vertebrae में एक होती है body और उसके साथ में होते हैं total 7 अलग अलग processes, जिसमें spinous process, transverse process, pre-zygapophysis और post-zygapophysis, सारे process हमने वहाँ पर detail में study किए हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उनका नाम देखेंगे और देखेंगे कि सर्वाइकल वर्टिब्री एक टिपिकल वर्टिब्री से कैसे अलग होती है। देखो, सर्वाइकल वर्टिब्री की हम बात करें तो जैसा कि हर वर्टिब्री में होता है कि उसमें एक कैविटी, एक स्पेस, एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, जिसे कहा जाता है वर्टिब्रल फोरामेन। तो वो वर्टिब्रल फोरामेन सर्वाइकल वर्टिब्री में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन मजे की बात यह कि ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है, जितनी भी अलग अलग टाइप की वर्टिब्रीज है, यानी सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कॉकिक्स, इन सब में लार्जेस्ट वर्टिब्रल फोरामेन जो है वो एक सर्वाइकल वर्टिब्री में प्रेजेंट होता है। अगर सेंट्रम या बॉडी ऑफ वर्टिब्री की बात करें तो कॉकिक्स को छोड़कर बाकी सभी वर्टिब्री से सबसे छोटा जो बॉडी होती है वो प्रेजेंट होती है सर्वाइकल वर्टिब्री में। इससे ज़्यादा छोटी बॉडी आपको कॉकिक्स में देखने को मिलेगी। स्पाइनस प्रोसेस की बात करें तो ये स्पाइनस प्रोसेस है, और C2 से लेकर C6। देखो, बेसिकली क्या है कि हम लोग ने सर्वाइकल वर्टिब्री का नेमिंग कैसे किया है, जो सबसे पहली सर्वाइकल वर्टिब्री है, यानी जो टॉप मोस्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है, दैट इज C1, फिर C2, फिर C3, ऐसे करते करते हम चलते हैं C7 तक। तो जो सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री से लेकर 6th सर्वाइकल वर्टिब्री जो है उसका स्पाइनस प्रोसेस इज बाइफिड। बाइफिड का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से ब्रांचिंग शो करता है वो, यानी दो दो हेड आपको इसमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट, जैसा हमने देखा कि ट्रांसवर्स प्रोसेस भी प्रेजेंट होता है टिपिकल वर्टिब्री में, तो सर्वाइकल वर्टिब्री में भी ऑब्वियसली ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट है, बट यहाँ के ट्रांसवर्स प्रोसेस में आपको एक बहुत ही पिक्यूलियर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि है ये एक कैविटी। अगेन, जिस तरह से ये वर्टिब्रल फोरामेन है, ये भी एक तरह का फोरामेन है जो आपको बॉडी के दोनों साइड में मिलेगा और दोनों साइड के ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में, और बिकॉज ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर एक फोरामेन है, इसलिए इस फोरामेन का ही नाम है ट्रांसवर्स फोरामेन, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी होगा और राइट साइड में भी होगा। ये ट्रांसवर्स फोरामेन को ही फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम कहते हैं। नाउ, अगर वर्टिब्रल फोरामेन में से क्या पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड, तो उसी तरह से ट्रांसवर्स फोरामेन में से पास होता है वर्टिब्रल आर्टरी, उसकी वेन और उसके नर्व फाइबर। अभी हम सबको पता है कि जो हार्ट से जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है, उस लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है आर्च ऑफ एओर्टा, उसी आर्च ऑफ एओर्टा से एक वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है, और ये वर्टिब्रल आर्टरी इन सभी सर्वाइकल वर्टिब्री के जो ट्रांसवर्स फोरामेन है उसमें से पास होकर हमारे नेक में से पास होती हुई हमारे हेड की तरफ या ब्रेन की तरफ मूव करती है। यानी कि आपको जो वर्टिब्रल आर्टरी मिलेगी वो यहाँ से जाते हुए मिलेगी, जो इन्हीं सर्वाइकल वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ट्रांसवर्स फोरामेन में प्रेजेंट होता है। तो ट्रांसवर्स फोरामेन आपको केवल और केवल सर्वाइकल वर्टिब्री में ही देखने को मिलेगा, थोरेसिक, लंबार, इन सभी वर्टिब्री में ट्रांसवर्स फोरामेन प्रेजेंट नहीं होता। और इसी ट्रांसवर्स फोरामेन से आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एक सर्वाइकल वर्टिब्री को रेस्ट ऑफ दी वर्टिब्री से,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हर वर्टिब्रे में एक सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट और एक इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट होता है। सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट से वो अपनी ऊपर वाली वर्टिब्री से अटैच होता है और इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट से वो अपनी नीचे वाली वर्टिब्री से। ठीक है, तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट प्रेजेंट है। नाउ ये जो सात सर्वाइकल वर्टिब्री है उसमें से जो सबसे पहली सर्वाइकल वर्टिब्री यानी जो सबसे ऊपर वाली, पहली हम किस बेस पे कह रहे हैं, जो सबसे ऊपर होगी वो C1, उसके नीचे C2, फिर उसके नीचे C3, इस तरह से सबसे लास्ट में आती है C7। जो सबसे पहली वर्टिब्री जिसको आप C1 कहते हो उसको कहा जाता है एटलस वर्टिब्री, और जो सेकेंड वर्टिब्री है उसको कहा जाता है एक्सिस वर्टिब्री। ये दो नाम आपको ध्यान रखना है, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज एटलस, द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री इज एक्सिस। नाउ दिस इज द एटलस यानी द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री। अब अगर आप इस वर्टिब्री को देखो तो आपको आप देखोगे कि इसमें बॉडी है ही नहीं, प्लस स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं है। आपको कंप्लीट बाकी सब प्रोसेसेस का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें ना तो बॉडी है ना ही इसमें स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ व्हाई इज दिस कॉल्ड एज एन एटलस? दैट्स बिकॉज अगर आप माइथोलॉजी की बात करो तो माइथोलॉजी में देयर इज अ गॉड कॉल्ड एज एटलस, और हम ये मानते हैं कि एटलस ने अपने ऊपर इस पूरे प्लेनेट का भार ले रखा है। ठीक है, इस पूरे प्लेनेट का भार इन एटलस, इस माइथोलॉजिकल गॉड के ऊपर है। और इसी तरह से ये जो सबसे पहली वर्टिब्री है यानी सर्वाइकल वर्टिब्री, उसी ने पूरे स्कल का जो है भार अपने ऊपर ले रखा है। बिकॉज वी नो एटलस जो है जो जो स्कल है उसके साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, यानी अगर आप स्कल को वर्टिब्रल कॉलम के साथ देखोगे तो जो सबसे ऊपर वाली वर्टिब्री है उसी के ऊपर पूरा स्कल आता है। तो ऐसा लगता है जैसे इसी ने सारा जो स्कल है उसका जो जो वेट है अपने ऊपर ले रखा है, इसलिए इसको एटलस कहा जाता है। नाउ अब इसमें बॉडी है नहीं और स्पाइनस प्रोसेस है नहीं। नाउ दिस जो बीच में सेंट्रल फोरामेन प्रेजेंट है, वी ऑल नो दिस इज द वर्टिब्रल फोरामेन फॉर द पासिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और हमें पता होगा कि जो स्कल का जो 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 लोअर पार्ट है, अगर हम स्कल को इन्फीरियर पोर्शन से देखें तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है और वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आती है। वहाँ तक तो मेडुला ओब्लोंगाटा, और मेडुला ओब्लोंगाटा कंटिन्यूज इज स्पाइनल कॉर्ड एंड इट एग्जिट्स स्कल वाया फोरामेन मैग्नम। तो वहाँ से जहाँ से जैसे स्पाइनल कॉर्ड एग्जिट करती है वो स्पाइनल कॉर्ड इसी वर्टिब्रल फोरामेन से पास ऑन होती है। दिस जैसा हमने अभी पहले देखा था, दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, और इसी ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में दिस फोरामेन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स फोरामेन, जहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी उसकी वेन और नर्व्स पास ऑन होती है। नाउ दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। जैसा हमने पढ़ा कि सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट अपने से ऊपर वाली बोन के साथ में जो है जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, बट एटलस इज द अपर मोस्ट वर्टिब्री, इसके ऊपर कोई वर्टिब्री नहीं है। फिर एटलस किसके साथ में जॉइंट फॉर्म करता है? तो एटलस जॉइंट फॉर्म करता है स्कल के साथ में। मैं भी थोड़ी देर में आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, इवन मैं इस जॉइंट को जो जो एटलस और स्कल के बीच में जो जॉइंट है उसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पर जरूर स्टडी करेंगे। नाउ दिस सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स ऑफ द स्कल फॉर्मिंग एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। मैं आता हूँ इस पर थोड़ी देर में, मैं वापस इस पर आता हूँ। नाउ दिस इज ओडोंटॉइड फोसा। फोसा फोसा किसे कहते हैं? बोन में जब कोई डिप्रेशन होता है, एक एक अंदर की तरफ डिप्रेशन टाइप रहता है जिसे फोसा कहा जाता है। नाउ इन दिस केस इट इज कॉल्ड एज ओडोंटॉइड फोसा। नाउ व्हाई इज दिस कॉल्ड एज एन ओडोंटॉइड फोसा, और यहाँ पर किसका आर्टिकुलेशन होगा, वो सब भी मैं थोड़ी देर में आपको वापस एक्सप्लेन करूँगा। मैं आऊँगा उस पर, पहले मैं एक्सिस पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपको ओडोंटॉइड फोसा के बारे में और डिटेल में बताऊँगा। आप फिलहाल ये ध्यान रखना कि जो दो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स हैं उनके बीच में यहाँ पर एक ओडोंटॉइड फोसा प्रेजेंट है। बाकी इसके बारे में मैं ज़रूर थोड़ी देर में वापस बात करूंगा कि एक्सिस वर्टिब्री के साथ ये किस तरह से जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। देखना, यहाँ पर एटलेंटो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एटलस को, और ऑक्सीपिटल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीपिटल बोन को। नाउ वी ऑल नो ऑक्सीपिटल बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? तो हमारे स्कल का जो पोस्टीरियर पोर्शन है यानी दिस पोर्शन, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन। एटलस ऑक्सीपिटल बोन के साथ में एक जॉइंट का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एंड इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। रिमेंबर, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट इज अ कैटेगरी इनसाइड साइनोवियल जॉइंट, यानी साइनोवियल जॉइंट के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, इसमें से एक टाइप होता है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। मैंने साइनोवियल जॉइंट इवन सभी जॉइंट्स के ऊपर बहुत डिटेल में बहुत अच्छा बहुत
बढ़िया वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप जरूर देखें, बिल्कुल आपको जॉइंट्स सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। नाउ एज वी ऑल नो विच वर्टिब्रे इज दिस, ठीक है, आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं दिख रहा, आपको क्लियर बॉडी नहीं दिख रही, तो दिस इज एटलस। नाउ हाउ डू वी नो दैट दिस इज अ सर्वाइकल वर्टिब्रे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसवर्स फोरामेन, एक ट्रांसवर्स फोरामेन का प्रेजेंस जो है सबसे पिक्यूलियर करेक्टर है कि एक सर्वाइकल वर्टिब्री है। और सर्वाइकल वर्टिब्री में भी ये एटलस है, कैसे पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा जब आपको कोई बॉडी नहीं दिखेगी और कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं दिखेगा, और प्लस आपको यहाँ पर क्लियर एक जो है ओडोन्टॉइड फोसा दिख रहा है, तो ये इससे हम पहचान सकते हैं कि दिस इज एटलस। नाउ दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कि सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट किसके साथ में जो है जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। नाउ सी ये स्कल, और मैं इस स्कल को इन्फीरियर पोर्शन से देख रहा हूँ, तो इस इन्फीरियर पोर्शन में अगर आप देखो तो सी दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन, ये पूरा ऑक्सीपिटल बोन है यहाँ पर, ठीक है, दिस एंटायर बोन इज ऑक्सीपिटल बोन। इस ऑक्सीपिटल बोन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है ना, दिस इज अगेन अ फोरामेन विच इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। अब इसी फोरामेन मैग्नम से जो है स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ओब्लोंगाटा से एग्जिट करती है, यानी इसके अंदर की तरफ मेडुला ओब्लोंगाटा और इसके बाहर की तरफ जस्ट स्पाइनल कॉर्ड एग्जिट करके यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम में आएगी। और इसी में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दो पिंक कलर के स्ट्रक्चर, ये नाउ दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ये बेसिकली एक तरह का ना एलिवेशन है, ठीक है, कॉन्डाइल लाइक स्ट्रक्चर है जिनको ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑक्सीपिटल बोन पे प्रेजेंट है। और यही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स इन सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट जो आपको एटलस पे दिख रहे हैं, ये दिस इज द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट एग्जैक्ट इन कॉन्डाइल के साथ में जॉइंट बनाते हैं जिसको आप कहते हो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, दीज आर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ना इस पिक्चर में आपको एक मूवमेंट दिख रहा है, इस तरह का मूवमेंट, जब हम इस तरह का मूवमेंट करते हैं तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ये जो मूवमेंट हो रहा है इसी जॉइंट पे हो रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। मैं एक और मूवमेंट की बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, और मैं इन दोनों चीजों को वापस कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट बात करता हूँ सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री को के बारे में, जिसको कहा जाता है एक्सिस। नाउ दिस इज एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस में क्लियर एक बढ़िया सा स्पाइनस प्रोसेस दिख रहा है ये, और ये स्पाइनस प्रोसेस करीब करीब बाइफिड दिख रहा है आपको, यानी कि ब्रांच दिख रहा है, दो दो स्पाइनस प्रोसेस की तरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड ये हो गए आपके सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। नाउ ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट किसके साथ जॉइंट बनाएंगे, तो ऑब्वियसली ये जॉइंट बनाएंगे अपनी ऊपर वाली वर्टिब्री यानी एटलस के साथ। रिमेंबर सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट अपर वर्टिब्री के साथ और इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट लोअर वर्टिब्री के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी एक्सेस में आपको नीचे की तरफ इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट भी दिखेगा जो थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्री के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इस एक्सेस में एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है डेंस। नाउ दिस इज वर्टिब्रल फोरामेन, हम सबको पता है, ये चीज़ हमें अब तक अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये हो गई बॉडी, ठीक है, दिस इज बॉडी। ये बॉडी कहाँ प्रेजेंट नहीं थी, एटलस में, तो एटलस में बॉडी नहीं होती बट एक्सिस में बॉडी प्रेजेंट होती है। और एक्सिस में एक बहुत ही पिक्यूलियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है डेंस, ठीक है, डेंस, या फिर इसको हम लोग ओडोन्टॉइड प्रोसेस भी कहते हैं। नाउ डेंस और ओडोन्टॉइड, ये जो दोनों वर्ड है इन दोनों का मतलब होता है टूथ। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी के ऊपर एक टूथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। आप ये पिक्चर देखो, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, इस सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट के इधर ये बॉडी हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट बॉडी, और ये जो ऊपर एक टूथ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस टूथ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डेंस और ओडोन्टॉइड प्रोसेस। नाउ अब ये जो टूथ लाइक स्ट्रक्चर है इसके हम लोग बैक साइड की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक फैसेट प्रेजेंट है, यहाँ पर एक फैसेट प्रेजेंट है। नाउ अगेन फॉर दी अटैचमेंट, अब कहाँ अटैच होगा मैं थोड़ी देर में आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये हो गया सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ये किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, तो वी ऑल नो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट अपने से ऊपर वाली वर्टिब्री यानी एटलस, इस केस में एटलस, उसके साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। एंड दिस इज डेंस या ओडोन्टॉइड प्रोसेस। नाउ दिस ओडोन्टॉइड प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट विद द एटलस। कैसे, मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ ये क्या है, अब मैं ये चीज़ आपको अभी नहीं बताऊँगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ये
फोरामेन कौन सा है और ये क्या फंक्शन कैरी आउट यहाँ पर करता है, बिकॉज मैं इस बारे में ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुका हूँ। ये हो गया इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट। नाउ अगेन ये इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट किसके साथ में जॉइंट बनाएगा, दिस विल फॉर्म अ जॉइंट विद C3। C3 का सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट जो है C2 के इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट मैं बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट की बात करूंगा यहाँ पे, जो है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, नाम बता रहा है कि ये एक जॉइंट है जो कि एटलेंटो यानी एटलस और एक्सियल यानी एक्सिस इन दोनों के बीच का जॉइंट है। नाउ रिमेंबर दिस इज अ पाइवोट जॉइंट, अगेन पाइवोट जॉइंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइनोवियल जॉइंट ओनली। साइनोवियल जॉइंट्स के बहुत से अलग अलग टाइप है, पाइवोट, कॉन्डाइलॉइड, हिंज, वो सब कुछ आपको उस वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां देख सकते हो। नाउ दिस इज एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कैसे। व्हाट इज दिस, दिस इज एटलस, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सिस, कैसे पहचाना सर, बहुत आसान है, स्पाइनस प्रोसेस नहीं है सर यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये एटलस है। प्लस यहाँ पर जो है एक ओडोन्टोइड फोसा है। अब नाम देखो आप लोग, इस फोसा को मैंने क्या नाम दिया, ओडोन्टोइड फोसा, ठीक है, फोसा एक डिप्रेशन है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सिस। नाउ हाउ डू वी नो दैट दिस इज एक्सिस, सर आपको क्लियर यहाँ पर एक डेंस दिख रहा है, दिस इज डेंस, जिसको आप कहते हो ओडोन्टोइड प्रोसेस, ओडोन्टोइड प्रोसेस। नाउ सी दिस इज वेरी इजी, ओडोन्टोइड प्रोसेस, ओडोन्टोइड फोसा, ओडोन्टोइड फोसा एक डिप्रेशन कहाँ प्रेजेंट है, एटलस में, ओडोन्टोइड प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिस में। तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये ओडोन्टोइड प्रोसेस ओडोन्टोइड फोसा में जाकर अटैचमेंट शो करेगा। यहाँ पर वापस देखना, ये ओडोन्टोइड प्रोसेस के पीछे एक फैसेट है, अब ये फैसेट आकर इस ओडोन्टोइड फोसा में अटैचमेंट शो करेगा यहाँ पर, यानी पिक्चर कुछ ऐसी होगी बाद में, एटलस ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक्सिस, ये ऐसा समझ लो कि दिस इज एटलस, ठीक है, और ये एक्सिस नीचे की तरफ एक्सिस, और ये एक्सिस का डेंस जो एटलस में इस तरह के ओडोन्टोइड फोसा के ऊपर आकर जो है जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि एग्जैक्ट ऐसा मैं यहां दिखा देता हूं पिक्चर में, दिस इज एक्सिस, दिस इज एटलस, इस एटलस में ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स हो गए जो कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ जॉइंट बनाएंगे, जिसको आप कहते हो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। नाउ ये देखो आप, दिस इज डेंस, दिस इज डेंस, ठीक है, और ये डेंस जो है ये पीछे की तरफ, मैं एक बार, एक सेकेंड, यहाँ ये पीछे की तरफ, ये एटलस है, ये एटलस में पीछे की तरफ यहाँ पे ओडोन्टोइड फोसा था, तो डेंस ओडोन्टोइड फोसा पे जाकर यहाँ पर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, एंड दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज एटलेंटो ऑक्सियल जॉइंट। इस चीज को वापस यहाँ पे देखो आप, ये डेंस है और ये आपका ओडोन्टोइड फोसा, तो ये डेंस इस ओडोन्टोइड फोसा में इस तरह मूवमेंट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए पाइवोट जॉइंट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर डेंस एक पाइवोट बना रहा है जिसके अगेंस्ट जो है, जो मतलब एटलस के अगेंस्ट जो है मूव कर पा रहा है। अब जब एटलस और एक्सिस में इस तरह का मूवमेंट होगा तब आपका हेड इस तरह का मूवमेंट करेगा, यानी ये जो मूवमेंट है जिसमें मैं सर को दोनों तरफ इस तरह से घुमा रहा हूँ, दिस मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, यानी ये एटलेंटो एक्सियल जॉइंट का काम है, जबकि ये वाला मूवमेंट, ये मूवमेंट है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की वजह से। गेटिंग माई पॉइंट, तो दिस इज द डिफरेंस। यानी अब वापस से एक बार मैं समराइज कर दूं आपके लिए, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट ये प्रेजेंट होता है एटलस वर्टिब्री और ऑक्सीपिटल बोन जो स्कल की बोन है उसके बीच में, प्लस वो एक तरह का कॉन्डाइलॉइड जॉइंट होता है और उसकी वजह से ये वाला मूवमेंट होता है। सेकेंड है एटलेंटो ऑक्सियल जॉइंट जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस और सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री एक्सिस के बीच में होता है और उसकी वजह से मूवमेंट जो होता है ये वाला होता है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि एटलस और एक्सिस किस किस तरह के जॉइंट बनाते हैं और उनकी वजह से किस किस तरह का मूवमेंट होता है। फिर C3, C4, C5, C6 इनको कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं है, बिकॉज कोई एक जो टिपिकल वर्टिब्री रहता है उसी टाइप का ये रहता है ये सब कुछ। थोड़ा सा डिफरेंस हम देखेंगे C7 में, ठीक है। C7 जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि C1 और C7 C2 से लेकर C6 में मैंने कहा था कि स्पाइनस प्रोसेस बाइफिड होता है, ठीक है, वापस बता रहा हूँ, देखो मैं केवल स्पाइनस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। C1 C2 से C6 और C7 डिफरेंस देखना, C1 में क्या स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट था, नहीं।
C2 से C6 स्पाइनस प्रोसेस सर बाइफिड होता है, बिल्कुल। C7 सर, C7 का स्पाइनस प्रोसेस बाइफिड नहीं रहता, प्लस इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। अब आपको यहाँ पे देखो, C7 में एक स्पेशल बात यही है कि इसका स्पाइनस प्रोसेस काफ़ी प्रोमिनेंट रहता है, और ये इतना प्रोमिनेंट है कि आप अगर अपने अपर बैक एरिया में टच करो तो आपको ये जो अपर बैक एरिया में आप किसी के भी देखोगे तो एक प्रोमिनेंस दिखता है यहाँ पे। ये प्रोमिनेंस 7 सर्वाइकल वर्टिब्री की वजह से है, और ये भी वर्टिब्री में किस चीज़ का प्रोमिनेंस है, दिस इज द प्रोमिनेंस ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, इट इज़ वेरी लॉन्ग प्लस नॉन बाइफिड। और उसके जस्ट नीचे एक और प्रोमिनेंस है जो आपकी फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री का है, नहीं आप यहाँ पे टच करके देख सकते हो, यू विल क्लियरली फील सम प्रोमिनेंसेस। तो ऊपर वाला इज बिकॉज ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्री एंड नीचे वाला इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री, एंड दिस इज द रीजन वाई C7 इज कॉल्ड एज वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, क्योंकि इसका जो जो स्पाइनस प्रोसेस है वो काफी प्रोमिनेंट रहता है। नाउ C7 जो है यानी कि वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, उसमें एक और खास बात है जो बाकी किसी भी सर्वाइकल वर्टिब्री में नहीं है, और ये बात ये है कि इसके पास में एक फैसेट होता है जो कि फर्स्ट रिब के साथ में आर्टिकुलेशन करता है। ना वी ऑल नो कि रिब्स जो है जॉइंट बनाती है केवल और केवल थोरेसिक वर्टिब्री के साथ, किसके साथ में, थोरेसिक वर्टिब्री के साथ में। अब जो फर्स्ट रिब है, अब आप समझो इस चीज को कि फर्स्ट रिब T1 यानी कि ये जो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री है उसके साथ में, और उसके साथ साथ में C7 इनके साथ में, दोनों के साथ में जो है जॉइंट का फॉर्मेशन कर लेगी। यानी कुछ आप ऐसा समझ लो कि जो फर्स्ट रिब है वो जाकर इस तरह से जॉइंट हो जाएगी C7 और T1 के साथ में। तो जो वर्टिब्रा प्रोमिनेंस यानी सेवन सर्वाइकल वर्टिब्री इज दी ओनली सर्वाइकल वर्टिब्री जो जो किसी रिब के साथ में जो है जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, बाकी कोई भी सर्वाइकल वर्टिब्री ऐसा नहीं करती। बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। तो ये सब कुछ जो है हमें सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में पढ़ना था, जो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया। आई होप यू लाइक द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट थोरेसिक वर्टिब्रे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड विद अस।